35 है और 370 के खिलाफ कश्मीरी जो है सरापा एहतजाज हैं, और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है? और दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे कि यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ जो है हमारी हुकूमत और जो हम जिन पे हम इंहसार करते हैं वफाक यानी पाकिस्तान, तो वो कुछ बेबस नज़र आ रहे हैं। इस बेबसी का जो इजहार है वो कल मिशाल मलिक के ख़त ने जाहिर किया जो उन्होंने मोदी को लिखा, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें जी, 5 अगस्त जो 2019 में जो उन्होंने भारत ने जो पाबंदियाँ लगाई, उनको जो पोजीशन उनसे छीनी, बहुत बड़ा जुल्म किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह जो कश्मीरी की जदोजहद रंग लाएगी, और वो दिन दूर नहीं कि जब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। तो दूसरी बात आपने कही कि गवर्नमेंट जो पाकिस्तान, तो उस वाले से मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई कमज़ोरी हो यासीन मलिक के वाले से। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने बड़े बयान दिए गवर्नमेंट पाकिस्तान के वाले से जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हम सारे मुत्तफिक हैं कोई भी हो। सर, कल मिशाल मलिक का एक ख़त सामने आया जो उन्होंने मोदी को लिखा कि मोदी जो है वो अपनी यासीन मलिक की जो सेहत है और उनकी सज़ा पे जो गौर करे और उसको उस पर कोई एक्शन ले। मोदी से ये सवाल करना क्या मुनासिब मामला था मिशाल मलिक का? देखिए जी, आपकी बात ठीक है, उनका जो अपना पॉइंट है वो एक लीडर की बेगम है, लेकिन मैं समझता हूँ हर बंदे को अपना राइट है आकर कहने का। अगर वो कहती है तो ठीक कह रही है, वो उनको सेहत का ख्याल, वाकई उनकी सेहत बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। मिशाल मलिक ने ठीक कहा है।